हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 6, जिसका नाम है द आर्टिस्ट का वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, जिसे लिखा है जापान के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी जापान के एक लघु कथाकार सिगा नोया ने। तो चैप्टर पर जाने से पहले सिगा नोया का शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चैप्टर द आर्टिस्ट, राइटर सिगा नोया, यानी द आर्टिस्ट नामक चैप्टर को राइट किया है सिगा नोया ने। बर्न, इनका जन्म हुआ था 1883 को यानी 1883 ईस्वी को। डेथ, इनकी मृत्यु हुई थी 1971 को यानी 1971 ईस्वी को। सिगा नोया का जन्म हुआ था 1883 को और मृत्यु हुई थी 1971 को। सिगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया जी एक जापान के रहने वाले शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी शॉर्ट मीन्स छोटा, स्टोरी मीन्स कहानी, राइटर मतलब लेखक, छोटे कहानी के लेखक हैं यानी लघु कथाकार हैं। तो सिगा नोया जी जापान के रहने वाले एक लघु कथाकार हैं ऑफ 20th सेंचुरी, और ये 20वीं सदी के हैं। सिगा नोया जापान के रहने वाले एक लघु कथाकार हैं जो 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं, यानी 20वीं सदी के हैं। द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सिबई। द आर्टिस्ट नामक जो चैप्टर है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो द आर्टिस्ट सबसे पहले हम लोगों को इस संसार के, जापान जो है देश है, उस देश के एक टैलेंटेड बॉय के बारे में बतलाता है। द आर्टिस्ट नामक यह कहानी जापान के रहने वाले एक लड़के के टैलेंटेड, उसके टैलेंट के बारे में बताता है, जिसका नाम बताया गया है कहानी में सिबई। एक बार फिर से, द आर्टिस्ट नामक यह कहानी जापान के रहने वाले एक लड़के के टैलेंट के बारे में बतलाता है। उस लड़के के पास कितने टैलेंट है, जिस लड़के का नाम बताया गया है, जिस लड़के का नाम राइटर सिगा नोया ने बताया है, सिबई। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड often causes damage to such talents. It shows, it means यह जो कहानी है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, इट शोज यह बताती है, यह कहानी हमें दिखाती है, यह कहानी हमें दर्शाती है of how the adult world, जो यह व्यस्त दुनिया है, often causes, प्रायः कारण बन जाती है, damage to such talents, किसी के talents को बर्बाद करने का। damage means होता है बर्बाद करना। यह व्यस्त संसार किसी लड़के के टैलेंट्स को बर्बाद करने का कारण बन जाती है, और यह किस तरीके से किसी के टैलेंट को बर्बाद करने का कारण बनती है, इसी बात को राइटर सिगा नोया ने अपने कहानी द आर्टिस्ट में बताया है। चलिए आते हैं समरी पर। द आर्टिस्ट, एक वर्ड है आर्ट, आर्ट मीन्स होता है कला, और आर्ट से ही बना है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। आर्टिस्ट के पद लगा है द आर्टिस्ट, मतलब कोई खास कलाकार। इस चैप्टर में सिगा नोया ने किसी खास कलाकार के बारे में बात किया है। द आर्टिस्ट इज ए वेरी फनी स्टोरी। द आर्टिस्ट नामक जो स्टोरी है, जो कहानी है, वेरी फनी, यह बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही मजाकिया है। इट इज रिटन बाई ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर सिगा नोया। इसे जापान के रहने वाले शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, यानी द आर्टिस्ट को जापान के रहने वाले एक लघु कथाकार जिनका नाम है सिगा नोया, उन्होंने ही लिखा है। दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द ट्रेडिशनल थॉट ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स टुवर्ड द स्टूडेंट्स। दिस स्टोरी एक्सप्रेस, यह कहानी व्याख्यान करता है द ट्रेडिशनल थॉट, परंपरागत सोच को, ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमारे शिक्षकों और अभिभावकों के, विद्यार्थियों के प्रति जो परंपरागत सोच है,
उन्हीं परंपरागत सोच को यह कहानी व्याख्यान करता है। द टीचर एंड द पेरेंट्स थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स देन स्टडीज इज ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम। द टीचर एंड द पेरेंट्स थिंक शिक्षक और अभिभावक सोचते हैं दैट की स्पेंडिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स किसी अन्य चीज पे टाइम बिताना देन स्टडीज पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य चीज पे टाइम बिताना पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य चीज पे टाइम लगाना इज ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम समय को बर्बाद करना है। कहा गया है कि हमारे शिक्षक और हमारे जो अभिभावक हैं उनका विचार है कि वे इस बात को मानते हैं कि पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य चीज पे टाइम लगाना किसी अन्य चीज पे टाइम बिताना वह टाइम को बर्बाद करने के बराबर है। इन दिस स्टोरी इस कहानी में सीबेई इज ए 12 इयर्स ओल्ड स्कूल बॉय। इस कहानी में सीबेई एक लड़का है जो 12 वर्ष का है और वह अभी स्कूल में पढ़ता है। यानी इस कहानी में सीबेई एक 12 वर्षीय स्कूली लड़का है। ही इज इंटरेस्टेड इन गॉड्स कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग। ही इज इंटरेस्टेड वह रुचि रखता है उसे रुचि है इन गॉड कलेक्टिंग गॉड को कलेक्ट करने में। गॉड मीन्स कुम्हारा कह सकते हैं हम लोग यहाँ तो बड़ा बड़ा होता है जापान में छोटे प्रकार का होता है। तो उसे रुचि है गॉड को कलेक्ट करने में और उसपे पॉलिश करने में इसी काम में उसे रुचि है। पढ़ाई लिखाई में दिमाग कम लग रहा है लेकिन इस काम को करने में उसे दिमाग ज्यादा लग रहा है। वन डे एक दिन ही बाइज ए गॉड्स इंटेंशन ओनली। एक दिन वह लड़का सीबेई केवल मात्र 10 सेन में एक गॉड को खरीदता है। 10 सेन जो सेन है जापान की एक मुद्रा है सेन जापान की मुद्रा की छोटी इकाई है सेन। वह लड़का 10 सेन में एक गॉड को खरीद लेता है। ही टेक्स इट टू अ स्कूल एंड बीइंग टू पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क। ही टेक्स इट टू अ स्कूल वह लड़का इस गॉड को अपने साथ स्कूल में भी लेकर चला जाता है और बीइंग टू पॉलिशिंग उसमें पॉलिश करना शुरू कर देता है उस गॉड के ऊपर पॉलिश करना शुरू कर देता है। इट अंडर हिज डेस्क अपने डेस्क के नीचे रख करके उसको उस गॉड के ऊपर वह लड़का पॉलिश करना शुरू कर देता है। ही इज कॉट रेड हैंडेड बाय द एथिक्स टीचर। ही इज कॉट वह पकड़ा जाता है रेड हैंडेड मीन्स होता है रंगे हाथों। वह लड़का रंगे हाथों पकड़ा जाता है बाय द एथिक्स टीचर। एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र के शिक्षक के द्वारा वह लड़का यानी सीबीआई गॉड को पुलिस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। द टीचर बिकम्स वेरी एंग्री विद सीबीआई आफ्टर वर्किंग ऑन इट। द टीचर बिकम्स वेरी एंग्री जो शिक्षक है बहुत गुस्सा हो जाते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं विद सीबीआई आफ्टर वर्किंग ऑन इट। इस सीबीआई के इस काम को देख करके वो टीचर जो एथिक्स के टीचर हैं जो नीति शास्त्र के टीचर हैं सीबीआई के ऊपर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। द टीचर टेक्स सीबीआई गॉड एंड गिव्स टू एन ओल्ड पोर्टर। टीचर ने सीबीआई के गॉड को छीन लिया ले लिया और इसे एक ओल्ड पोर्टर के हाथों दे दिया। ओल्ड पोर्टर वो स्कूल का एक चपरासी है जो बहुत पुराना हो चुका है उसी के हाथों उस गॉड को दे दिया गया। दे डू नॉट अंडरस्टैंड सीबेज आर्ट वे लोग सीबेई की कला को नहीं समझ पाए। दे बीट हिम फॉर हिज वर्किंग ऑन द गॉड उन लोगों ने उसे पीटा यानी उन लोगों ने सीबेई को पीटा गॉड पे वर्क करने के लिए गॉड पे काम करने के लिए उन लोगों ने सीबेई को पीटा। एट लास्ट अंततोगत्वा दिस गॉड इज सोल्ड इन 600 येन अंततोगत्वा उस गॉड को 600 येन में बेच दिया गया। 600 येन येन जो है जापान की मुद्रा की बड़ी इकाई है 100 सेन बराबर 1 येन होता है। आप सोच सकते हैं उस गॉड को उस लड़के सीबेई ने 10 सेन में खरीदा था और उसकी कीमत लग रही है आज 600 येन तो कीमत कितनी बढ़ गई आप सोच सकते हैं इस बात को। दस इस प्रकार
वी सी दैट द टीचर एंड द पेरेंट्स डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्टेड ऑफ द चाइल्ड। इस प्रकार वी सी दैट हम लोग देख सकते हैं कि द टीचर एंड द पेरेंट्स शिक्षक और अभिभावक डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे के रुचि को नहीं देख रेख कर पाए, केयर नहीं कर पाए। दिस इज एन इनजस्टिस टू चिल्ड्रेन, जो किसी बच्चे के साथ अन्याय की तरह है, यानी किसी बच्चे के रुचि को, किसी बच्चे के हॉबी को नहीं समझ पाना, यह जिसकी वजह से किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, यह बच्चों के साथ एक अन्याय की भांति है। यही कहानी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें या हमारे पेरेंट्स को बच्चों के अभिरुचि को, बच्चों के इंटरेस्ट को समझना चाहिए, बुझना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।